सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? तो कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हमें हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कंपैरिजन टेबल वगैरह ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। उसका हमने एक छोटा सा डेमो भी किया था कि लाइक आपकी सर्विसेज है, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ें आप फ्री दे रहे हो, कौन सी पेड दे रहे हो, मतलब ऐसा आपको प्राइसिंग टेबल के मतलब के हिसाब से भी आप मतलब वो यूज़ कर सकते हो। तो उस तरीके का आपको कंपैरिजन टेबल ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड कर सकते थे। तो वो हमने किया था लास्ट वीडियो में, हैप्पी एडोन का कंपैरिजन टेबल मॉड्यूल है, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने बनाया था, ठीक है। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें फ़ोटो स्टैक देना हो, यानी कि दो तीन फ़ोटो एक साथ मतलब एक के ऊपर एक स्टाइल में आए, या फिर थोड़े हैंग होते हुए हो, बाउंस होते हुए, मतलब ऐसा इफेक्ट ऐड करना है, या एक एक ही मॉड्यूल के अंदर आपको मतलब तीन चार फोटो चाहिए, तो उस तरीके का आपको स्टैक बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। तो वो हम करेंगे आज हैप्पी एडोन का जो इमेज स्टैक मॉड्यूल है उसके हेल्प से, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, अपाचे और माई एसक्यूएल एज ऑलवेज स्टार्ट कर लेना है, तभी आप डैशबोर्ड में लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। सो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे देख रहे हो कि दो कोई प्लगइन वगैरह शायद होंगे, हाँ दो प्लगइन ही है जिसको अपडेट की नीड है, तो पहले उसको अपडेट कर लेते हैं, बाद में जो हमारा डेमो पेज है, ठीक है, हम उसी में एज ऑलवेज वर्क करेंगे, ठीक है। सो एक बार ये प्लगइन ओपन हो गया, आप यहाँ पे एसेंशियल एडोन अपडेट की नीड है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्टार्टर टेम्पलेट। सो इन दोनों को अपडेट होने देते हैं, पहले ये होगा एसेंशियल एडोन और बाद में स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। ये अभी ये अपडेट हो चुका है, अभी स्टार्टर टेम्पलेट एक बार अपडेट हो जाए तो हमारा डेमो पेज में वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो अभी यहाँ से आते हैं पेजेस में, पेजेस में आने के बाद यहाँ पे डेमो पेज है उसको क्या करते हैं, व्यू करते हैं। सो जो ओपन हो जाए बाद में एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं बॉटम में एक बार, ठीक है। तो हमने इस तरीके का एक जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो हमने बनाया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्री में 5 पेजेस मिलेंगे, रेडी ब्लॉक कुछ नहीं मिलेगा, फिर प्रो लेंगे आप तो उसमें रेडी ब्लॉक्स भी मिलेंगे और 50+ पेजेस भी होंगे, या गेट फ्री, और ये बाय नाउ का बटन भी हमने ऐड किया था, ठीक है। सो इस तरीके का आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो कंपैरिजन टेबल। सो इसको क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। ये मतलब लोड ले रहा है थोड़ा, क्योंकि मेरे पीसी में काफ़ी सारी चीज़ें ऑन है, ठीक है, थोड़ा लोड ले रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे इंटरनेट की स्पीड तो ठीक ठाक है, पर लेकिन पीसी में काफ़ी सारी मतलब प्रोसेस चल रही है, इसलिए थोड़ा पीसी भी लोड ले रहा है मेरा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में ठीक हो जाएगा, अभी फ़िलहाल वीडियो पे फोकस करते हैं जो मतलब आज की वीडियो का टॉपिक है उस पर। चलो आ गया, ठीक है। सो एक बार क्या करते हैं बोट पर, लेकिन ये एक बार तो टॉप में जाएगा क्योंकि पेज लोड हो मतलब हो रहा है ऐसे, इसलिए। सो जा रहा है धीरे धीरे, देखा गया, अभी खत्म, अभी पूरा लोड हो चुका है, तो अभी आता है बोट टॉप में, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स लिया और यही वाला स्ट्रक्चर ले लिया, मतलब कि सेक्शन ले लिया, ठीक है हमें। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है ना उसको टॉप और बॉटम में 50-50 पिक्सल मार्जिनेट कर रहा हूँ, 50 यहाँ पे और बॉटम में भी 50। अभी क्या करता है कि अभी यहाँ से सारी चीज़ों को मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी अभी हमें क्या देना था कि फोटो स्टैक ये वाला मॉड्यूल,
तो क्या अभी जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो डेमो कंटेंट हमें देगा, पर हम क्या करेंगे थोड़ा चेंजेस वगैरह करेंगे और क्या क्या मतलब स्टाइल वगैरह में चेंज हो सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप थोड़ा सा वर्क कर रहा है, देख रहे हो मैंने कुछ जैसे कि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है कि थोड़ा बाउंस इफेक्ट मतलब वो ले रहा है, वो इनफाइनाइट लूप में चल रहा है, देख रहे हो। अभी क्या करते हैं हम इमेज वगैरह चेंज करते हैं तो थोड़ा सा सही दिखेगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, फुल कर देते हैं तो क्या होता है इमेज रिजोल्यूशन में। अच्छा जी, तो कस्टम का कस्टम रहने देते हैं। सो यहाँ से आते फोटो सिलेक्ट करते हैं मीडिया लाइब्रेरी में, ठीक है। ये वाला ले लिया, फिर जो दूसरी आइटम है ठीक है उसको मैं ले रहा हूँ। कर दिया भी तीसरा जो इमेज है उसमें, ये एक जो हमारी गर्ल वाली इमेज है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज लोड हो चुका है, अभी यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ पे जेड इंडेक्स का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे मतलब आपको मतलब चेंज करना हो पोजीशन तो यहाँ से देख रहे हो पोजीशन चेंज कर सकते हो, ऑफसेट वगैरह वाई और एक्स के, ठीक है। फिर जेड इंडेक्स देना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ यहाँ पे जैसे -1 किया तो वो पीछे चला गया, अभी 0 दे दिया, अभी ऊपर तो कितना भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो कि वर्क कर रहा है जेड इंडेक्स पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट एनिमेशन, अभी क्या है बाउंस स्मॉल है, फिर यहाँ बाउंस मीडियम है, तो अभी मतलब जितना वो ऊपर नीचे मतलब बाउंस हो रहा था, ठीक है। सो थोड़ा कम हो सकता है, मतलब ये स्मॉल था तो मीडियम, अच्छा थोड़ा उससे बढ़ेगा, फिर यहाँ से लार्ज है, फिर रोटेटिंग है, फिर स्केल है, स्केल मीडियम लार्ज वगैरह है। अभी देखो थोड़ा बढ़ गया, देख रहे हो, अभी यहाँ से स्केल वगैरह में भी आ स्केल मीडियम करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये थोड़ा लोड ले रहा है, इससे अच्छा तो जो बाउंस मॉल था वही सही था। अभी यहाँ स्केल ऑन स्मॉल मतलब स्केल स्मॉल ओवर एनिमेशन, अभी यहाँ पे जैसे और कर रहे हैं तो वो स्केल हो रहा है, तो यहाँ पे भी फेड वगैरह फ्लाई है, यहाँ पे फ्लाई स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ हाँ अभी हो रहा है, हल्का सा चेंजेस हो रहा है, सो फ्लाई मीडियम कर देते हैं। फिर यहाँ पे एनिमेशन स्पीड वगैरह सेकंड वगैरह, सो यहाँ पे अलाइनमेंट है लेफ्ट सेंटर और हाँ ये सही लग रहा है, सेंटर और राइट, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीज़ें चेंज कर सकते हो, फिर स्टाइल में तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, स्टाइल में यहाँ पे विड्थ दी है, हाइट है, फिर यहाँ ओवर फ्लो विजिबल, मतलब यहाँ की देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मतलब हमारा कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट से मतलब कंटेंट बॉक्स जो है उससे बाहर जा रहा है फिर भी मतलब विजिबल है, तो इसके लिए वो फिर विजिबल दिया हुआ है। फिर बॉर्डर डेस यहाँ पे 5 है, जो इमेज को मतलब देख रहे हो कि थोड़े उसके जो कॉर्नर वगैरह है थोड़े कर्व हो गए, ठीक है। सो यहाँ से मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो 15 हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपको मतलब देना हो फोटो स्टैक, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो वो हमने आज की वीडियो में हैप्पीडन का जो फोटो स्टैक मॉड्यूल है उससे सीखा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में, अगर वीडियो वगैरह पसंद आ रही है ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच,
एंड बाय बाय।